हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो के अंदर देख लिया है कि हमारा जो ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है उसका जो सर्किट कनेक्शन है वो किस तरीके से करते हैं, हमने एलईडी बोर्ड पे समझ लिया है। आज हम उसी चीज को प्रैक्टिकल के थ्रू करके देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है, इसकी वायरिंग करेंगे, उसके बाद इसको सिंगल फेज से हम ऑपरेट करके देखेंगे कि किस तरीके से ये टाइमर के साथ वर्क करता है। उससे पहले हमने देख लिया थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसको किस किस स्टार्टर से चलाते हैं, किस तरीके से हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल जांचते हैं वो हमने देख लिया है। उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी आईटीआई से रिलेटेड जो हमारे इलेक्ट्रिकल के प्रैक्टिकल होते हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वो प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगी। तो वहां से जाकर आप जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं हमारे आईटीआई के अंदर वो आप जो भी देखना चाहो वो देख सकते हो। वायरिंग से रिलेटेड है, मोटर से रिलेटेड है, स्टार्टर से रिलेटेड है। आगे भी हम जो डीसी के मोटर स्टार्टर वो हम देखेंगे। आज हम देख लेते हैं सबसे पहले ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर कि किस तरीके से इसके जो एनवीसीओ के कंट्रोल करने के लिए सर्किट कनेक्शन हम करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इसके कनेक्शन करके। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। यहाँ पर तीन एनवीसी आपको देखने को मिल रही है। ये हमारी मेन एनवीसी है जिसके अंदर यहाँ ऊपर कंट्रोलिंग जो स्विच है वो लगे हुए रहते हैं एनओएनसी, बीच में यहाँ ओएलसी लगी हुई रहती है, नीचे हमारे तीन सप्लाई के तार हो गए। ये हो गई K1, ये K3 और ये K2। जस्ट इसके पास में यहाँ पे लगी हुई होती है हमारे पास टाइमर। इस टाइमर में चार वायर होते हैं फ्रेंड्स। नीचे दो वायर देख रहे होंगे रेड वाले, ये हमारे K2 के साथ अंदर ही कॉइल के अंदर कनेक्ट रहते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ दो तार अलग से निकले हुए रहते हैं जिसके कनेक्शन हम हमारी K2 के साथ करते हैं, क्योंकि हमारी K2 को हम स्टार जो पॉइंट होता है मोटर का उससे कनेक्ट करते हैं ताकि हमारी ये जो टाइमर है इसको कुछ सेकंड बाद कट करके और हमारी मोटर को डेल्टा में चला सके। तो फ्रेंड्स इसको समझने के लिए, इसके जो कनेक्शन है उसको समझने के लिए आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि हम एक फेज से स्टार्ट करें, जिससे कि हम पहले हमारी एक एक जो हमारी तीनों एनवीसी है उसके एक एक सिरे को हम यहाँ पे एक सप्लाई से जोड़ सकें। तो सबसे पहले यहाँ से हम एक सिरा उठाएंगे सप्लाई का, मेन सप्लाई का, और सीधा हम देंगे जो हमारी K1 है उसके अंदर, जैसे कि आप हमारे डायग्राम में भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी देखने को मिल रहा होगा जो हमारा आर फेज है वो सीधा उठा के दे देंगे हम K1 के अंदर, फिर यहीं से K3 के अंदर। तो सबसे पहले हम K1 के अंदर ये फेज देते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहां से हमने एक फेज लिया और सीधा हमारी K1 के अंदर यहाँ एनवीसी के पहले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब यहीं से एक और वायर लेंगे और इसको सीधा कनेक्ट कर देंगे हमारी K3 के एनवीसी के एक सिरे पर। यहाँ पे देख लीजिए एक फेज सीधा आया K1 के अंदर एनवीसी के अंदर और यहीं से आके K3 के एनवीसी के अंदर यहाँ कनेक्ट हो गया। अब यहीं से एक और सिरा उठाएंगे और जो K3 है उसके यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे कॉन्टेक्टर, ये हमारा ऊपर वाला और बीच वाला जो पॉइंट है ये पहला और ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया हमारा NC, और ये वाला जो पॉइंट और इसके नीचे आप देख रहे होंगे एक पॉइंट और है ये हो गया हमारा NO। तो NC के जो पहला पॉइंट है इसमें हम इसको जो हमारे यह फेज आया है इसको उठा के यहाँ कनेक्ट करेंगे, और NC का जो दूसरा सिरा बच गया यहाँ से हम एक और सिरा उठा के हमारे जो K2 है उस NVC के एक सिरे पर यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ से फेज उठाया और हमारे NC के अंदर दे दिया। तो फ्रेंड्स ये जो NONC है इसको चेक करना मैं सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर उसके अंदर बता चुका हूँ, तो अब हम इसको वापस चेक नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो है वो लंबी हो जाएगी। वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है किस तरीके से इसके जो टर्मिनल जांचते हैं जो हमारी NVC है उसके NONC जांचते हैं, और इधर जो मेन वाले जो हमारी NVC है K1 उसके ऊपर भी जो NONC लगे हैं उसको कैसे चेक करते हैं, तो वो आप हमारी सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो NC का दूसरा पॉइंट बच गया, यहाँ से हम एक सिरा उठाएंगे और हमारी जो यहाँ पे K2 है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक फेज की वायरिंग हमारी NVC के साथ कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हमने R फेज उठाया और हमारी K1 की साथ NVC के साथ कनेक्ट कर दिया। यहीं से ये फेज K3 के अंदर चला गया और K3 के अंदर से यहाँ पे होता हुआ हमारे K3 के NC है उसके साथ कनेक्ट हो गया, और NC का जो दूसरा सिरा है उसके साथ हमारी K2 कनेक्ट हो गई। अब बात करते हैं दूसरे फेज की। दूसरा फेज इस तरीके से देंगे फ्रेंड कि हमारी जो K1 के अंदर ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लगा हुआ है इस कॉन्टेक्टर का कनेक्शन किस फेज के साथ, यहाँ पे तीन टर्मिनल है उसमें एक जो रेड वाला है उसको छोड़कर बाकी दो पॉइंट में जिसके साथ इसका जो कनेक्शन है जब हमारी K1 स्टार्ट हो रही है उस टाइम पे
किस पॉइंट के साथ यहाँ पे जो हमारा फेज इसके अंदर आ रहा है, उसी फेज को हम यहाँ पे हमारी जो ऊपर आप देख रहे हो NONC उसके NC के अंदर यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने दूसरा फेज है वो उठा के NC के अंदर कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स ये जो ऑक्सिलरी का पॉइंट है ये हमेशा हमारी जो इसके सामने वाला जो फेज है उसी के साथ या फिर इसके जो पास वाला जो फेज जिसमें मिल रहा है उसी के साथ कनेक्ट होता है। पर कई जो हमारे स्टार्टर होते हैं उनकी NVCO का कनेक्शन किसी अदर फेज जो इसका ऑक्सिलरी का कनेक्शन अदर फेज से भी हो सकता है, तो ये आप जरूर से चेक कर ले। चेक करने का तरीका यही है, एक पॉइंट पर यहाँ जो फेज आ रहा है उस वाले पॉइंट पर आप टेस्ट लैम्प का एक सिरा रखेंगे, उसके बाद NVC को यहाँ से आप इस तरीके से दबा के और ऑक्सिलरी पे कनेक्ट करेंगे। जिस इन तीनों पॉइंटों में जिसके साथ हमारी ऑक्सिलरी के साथ हमारा टेस्ट लैम्प ग्लो करता है, मतलब समझ जाना वही फेज हमारा ऑक्सिलरी के अंदर जो अंदर से कनेक्ट होके आ रहा है, तो उसी फेज को आप यहाँ पे NC के अंदर कनेक्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं NC का दूसरा पॉइंट। तो इस दूसरे पॉइंट को उठाकर और जो हमारा NO है उसके फर्स्ट पॉइंट के साथ यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। तो एक तार यहाँ से लेके हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने NC के साथ NO को कनेक्ट कर लिया है। अब जैसे ऑन बटन दबाएंगे तो ये फेज यहाँ आ जाएगा, जैसे ही बटन को दबाएंगे ये फेज यहाँ आ जाएगा। अब ये फेज यहाँ से उठ के और सीधा जाएगा हमारी टाइमर के साथ में, तो टाइमर का एक सिरा ले लेंगे और इसके साथ में ये जो फेज आएगा उठ के उसको कनेक्ट करके और हमारी जो K2 है उसके NONC है तो उसके NO के साथ में जैसे ऊपर यहाँ देख रहे होंगे लूप कर रखे हैं और जो नीचे वाला जो NO बच रहा है उसके साथ में यहाँ कनेक्ट कर देंगे। इसको लूप क्यों कर रखा है मैंने ये बता दिया है, आप देख सकते हो LED बोर्ड वाली जो वीडियो बना रखी है उसमें बता दिया है मैंने क्यों इसको यहाँ पे हम लूप करके रखते हैं, तो वहाँ आप देख लेना। पहले हम इसको यहाँ से जो फेज उठ के आएगा उसको टाइमर के साथ NO के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो फेज यहाँ से आएगा वो चल जाएगा K2 की NO के अंदर और यहीं से टाइमर के साथ जो टाइमर का एक तार है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टाइमर के दूसरे तार की। तो ये जो दूसरा तार है वो तार सीधा हमारा लग जाएगा K2 के जो बच रहा है NVC का दूसरा टर्मिनल उसके साथ में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टाइमर का एक स्विच जो है एक तार है वो यहाँ पे जो K2 है उसके NO में कनेक्ट कर दिया, दूसरा NVC के अंदर कनेक्ट कर दिया। ये वर्क किस तरीके से करेगा, जैसे हम ऑन बटन को दबाएंगे तो ये फेज जो NC से होके NO में आ रहा था ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से सीधा इस वायर में होता हुआ हमारे जो K2 है उसके NO में आ जाएगा। NO से ही हमारे टाइमर का जो एक वायर है कनेक्ट है, तो फेज चल जाएगा टाइमर के अंदर और टाइमर के अंदर होता हुआ टाइमर के अंदर बायोमेट्रिक पत्तियाँ होती है दो जो आपस में टच होती है जब ये ऑफ कंडीशन में होता है और कुछ सेकेंड बाद में ये जो है अपने आप ओपन हो जाती है जिससे कि हमारी NVCO वो ऑफ हो जाए, तो ये फेज सीधा जाके हमारी K2 के अंदर चला जाएगा। K2 को यहाँ से एक फेज मिल रहा था, दूसरा फेज टाइमर के माध्यम से यहाँ से मिल जाएगा। ये कुछ सेकंड तक हमारा टाइमर इसको चलाते रहेगा। अब जब ये इसको चलाएगा K2 को तब ये जो फेज यहाँ से आ रहा है ब्लू वाला फेज, तो यही फेज हमारी K1 को भी मिलना चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, यहाँ पर K2 के जो ऊपर NONC हमने लूप कर रखे है यहीं से एक वायर उठाएंगे, इन दोनों में से किसी में से भी एक में से उठा लेंगे और इसको देंगे हम K1 की NVC का जो दूसरा सिरा बच रहा है उसके अंदर और यहीं से एक सिरा उठा के ऑक्सिलरी के अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स जहां से NONC लूप हो रहे थे K2 के वहां से एक फेज हमने जो उठा लिया है और वो सीधा दे दिया है ऑक्सिलरी के अंदर और ऑक्सिलरी से हमने कनेक्ट कर दिया हमारी K1 की NVC का दूसरा टर्मिनल बच रहा था उसके अंदर। हमारे K1 K2 है उनका काम कंप्लीट हो चुका है दोनों फेजों का। अब बात कर लेते हैं हम जो K3 है उसके फेज की। तो एक फेज मिल रहा है, दूसरा फेज मिलेगा जो हमारी K2 है, K2 के जो हमारे यहाँ पे NC बच रहा है NC वाला पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ से एक तार उठाएंगे और सीधा हमारी K3 के जो टर्मिनल है NVC का उसके अंदर यहाँ दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर K3 को भी हमारा दूसरा फेज जो K2 की NC उससे मिल जाएगा। अभी इसका जो वर्क है वो एक बार मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर एक फेज है वो डायरेक्ट हमारी तीनों NVCO के साथ मिलता रहेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ से जो ग्रीन वाला वायर देख रहे हो इसमें आएगा R फेज हमारी यहाँ पे K1 को मिल जाएगा, यहीं से K3 को मिल जाएगा और K3 के NC से होता हुआ सीधा हमारी K2 को भी मिल जाएगा। एक फेज हो गया यहाँ पे कंप्लीट। दूसरा फेज जो हमारी ऑक्सिलरी के साथ में इन फेज के साथ कनेक्ट अंदर से कनेक्ट हो रहा है, इंटरकनेक्ट हो रहा है, वहां से एक फेज उठाएंगे और सीधा हमारी जो K1 के ऊपर NC लग रही है उस NC के अंदर कनेक्ट कर देंगे। NC का दूसरे पॉइंट से एक सिरा उठाएंगे और NO के फर्स्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट नहीं करना है, फर्स्ट पॉइंट के साथ यहाँ पे आपको इसको कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो NO का दूसरा पॉइंट बच रहा है वहां से एक तार उठाएंगे जो ब्लू वाला तार देख रहे हो और ये सीधा जाएगा हमारी K2 के NO के अंदर। जैसे हम इस ऑन बटन को दबाएंगे
ये फेज जो ब्लू वाला फेज है वो सीधा चल जाएगा हमारे K2 के ऑन जो ऑन है ऑन बटन उसके अंदर, उसी ऑन बटन से यहाँ पे हमारा टाइमर कनेक्ट है। तो ये फेज जो है हमारा टाइमर से होते हुए सीधा हमारी K2 को यहाँ पे मिल जाएगा। K2 को एक फेज यहाँ से मिल ही रहा था ग्रीन वाले वायर से, और दूसरा फेज हमारे टाइमर के माध्यम से मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये जो ब्लू वाला फेज देख रहे हो जो एनो में कनेक्ट कर रहा है टाइमर के साथ, ये हमारे ऊपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये जब तक नहीं आएगा जब तक हमारा एनो NC नहीं बन जाता, तब तक ये फेज ऊपर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही टाइम हमारी K2 को दोनों फेज मिलेंगे, ये फेज मिलते ही ये NVC हो जाएगी स्टार्ट। जैसे ही ये स्टार्ट होगी तो ये जो एनो था, एनो पॉइंट जो था, वो हमारा बन जाएगा NC। NC बनते ही फ्रेंड्स ये फेज सीधा आ जाएगा ऊपर। पर यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या है कि जैसे हम ऑन बटन को दबाएंगे, दबा के हम छोड़ देंगे, उसके बाद का जो प्रोसेसिंग है वो हमारी टाइमर के साथ होती है। जैसे हम इसको ऑन बटन को दबाकर छोड़े, दबा के छोड़े, प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है कि जैसे हम ऑन बटन को दबाकर छोड़ देते हैं तो हमारी K1 और हमारी जो K2 और K1 है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो फेज यहाँ से घूमकर NO के अंदर आ रहा है, फिर टाइमर में से होता हुआ हमारी K1 के अंदर जा रहा है, और यहाँ जब K1 स्टार्ट हो रही है तो इसका NO NC बन रहा है, और NC बनते ही यहाँ से जो हमने लूप कर रखा है तो वो फेज जो नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर आते ही सीधे ब्लू वाले वायर के माध्यम से हमारे चल जाएगा ऑक्सिलरी के अंदर, और ऑक्सिलरी से होता हुआ हमारी K1 के अंदर चल जाएगा। ये K1 भी इसके साथ स्टार्ट हो जाएगी। अब ये प्रोसेसिंग इतनी स्पीड से होती है कि हमारे ऑन बटन को दबाकर छोड़ते ही ये जो है हमारी NVC स्टार्ट हो जाती है। अब फ्रेंड्स जैसे हम ऑन बटन को छोड़ देंगे, छोड़ते ही जो फेज यहाँ से इतना घूमकर हमारी NO को मिल रहा था K2 को, वो अब इस तरीके से ना मिलके रिवर्स में आएगा। कैसे आएगा? ऑन बटन छोड़े, हमारी K1 स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, तो जो फेज यहाँ से ऊपर होके इधर इतना आ रहा था, अब वो डायरेक्ट नीचे से यहाँ ऑक्सिलरी में आएगा। ऑक्सिलरी में K1 को डायरेक्ट फेज कंटिन्यू मिलता रहेगा, और इस वायर के माध्यम से जो पहले फेज इधर आ रहा था अब वो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ जाके सीधा हमारे चल जाएगा जो ये NONC लूप हो रहा है K2 के उसके अंदर। यहाँ पर जैसे इसको इसके पास जाएगा NC से, जो हमारी NVC जब तक स्टार्ट रहेगी तो NC हमारा NO रहेगा, तो हमारा फेज K2 को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे K2 के साथ में K3 को नहीं मिलेगा, क्योंकि K3 NC से कनेक्ट है, तो ये फेज नीचे नहीं जाएगा, तो हमारी K3 को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर यहाँ पर ये जो फेज है वो NO के साथ में भी लूप हो रखा है, तो NO को यहीं से मिलता रहेगा, यानी कि हमारे टाइमर में जाता रहेगा कंटिन्यू। जैसे ही टाइमर का टाइम लिमिट कंप्लीट होता है, कंप्लीट होते ही ये टाइमर की पत्तियां कट हो जाएगी, कट होते ही ये जो फेज टाइमर के अंदर जा रहा था वो अब NVC के जो K2 है उसके NVC के एक फेज को कट कर देगा। जैसे ही ये कट होगा ये हमारी NVC ऑफ होएगी, ऑफ होते ही यहाँ पर NONC वापस से जो पहले फर्स्ट कंडीशन में थे नॉर्मल कंडीशन में वैसे के वैसे हो जाएंगे, यानी कि हमारा NO रह जाएगा, NC रह जाएगा। तो NO होते ही जो फेज हमारा यहाँ से रिवर्स में से आके NO के अंदर जा रहा था जब ये स्टार्ट थी, वो अब बंद हो जाएगा और सीधा जाएगा हमारी NC के अंदर, और NC के अंदर जाती ये फेज सीधा चल जाएगा हमारी K3 के अंदर। अब हमारी K2 बंद हो जाएगी और K3 स्टार्ट हो जाएगी, और K1 कंटिन्यू रन करती रहेगी। तो अब देख लेते हैं हम इसको एक बार सप्लाई देके कि यहाँ ये किस तरीके से वर्क कर रही है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने दो फेज के लिए वायर निकाल लिया है, वैसे हम इसको सिंगल फेज से ऑपरेट करके आपको दिखाएंगे, वैसे ये काम करती है हमारी टू फेज के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, आप इसको बोर्ड से देखना, हमारी जब मैं ऑन बटन को दबाऊंगा तब K1 और K2 है वो ऑन होगी, और कुछ सेकेंड बाद में हमारा टाइमर जैसे ही अपना टाइम कंप्लीट करता है तो हमारी पत्तियों को ऑफ करेगा और हमारी K2 बंद हो जाएगी, K3 ऑन हो जाएगी। तो ये आप प्रोसेस में देखते रहना। तो मैं एक बार ऑन बटन को दबाता हूँ, आप एक बार कैमरे को जूम कर दीजिए ताकि ये NVC है वो ऑन होती है आसानी से आपको दिख जाए। अभी हमारी K1 और K2 ऑन है, कुछ सेकंड बाद K2 ऑफ हो जाएगी, K3 ऑन हो जाएगी। देखिए K2 हो गई ऑफ, K3 ऑन हो गई। एक बार इसको ऑफ करता हूँ, फिर से आप गौर से एक बार देखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर की जो है यहाँ कंट्रोलिंग वायरिंग देख ली है। अब बात आती है इसकी पावर वायरिंग की, तो इसकी पावर वायरिंग हम जो आपको अलग से करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसकी पावर वायरिंग सेम हमारी जो सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर था उसकी तरह ही इसकी जो पावर वायरिंग होती है, तो वो आप देख लेना। उसका जो वीडियो है वो मैंने पैनल बोर्ड पर भी बनाकर आपको दिखा दिए, और विद हमने प्रैक्टिकल के थ्रू भी आपको बना के दिखा दिया है वीडियो के थ्रू।
तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो है हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर आती है उसको चलाने की, सिरे जांचने की और ये जो हमारे स्टार्टर्स है उनके कनेक्शन करने तक की सारी वीडियोस है वो कंप्लीट हो चुकी है। सारी वीडियो में हमने देख लिया है किस तरीके से हम जो मोटर के सिरे जांचते हैं, किस तरीके से किस स्टार्टर से हम कितनी एचपी तक की मोटरें चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम जो मोटर और भी जो आईटीआई के प्रैक्टिकल्स होते हैं उनकी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अभी तक की जो वीडियोस है स्टार्टर की मोटर की उनमें अगर किसी भी वीडियोस के अंदर या किसी भी कनेक्शन के अंदर आपको डाउट है किसी भी तरह का, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हो। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप पर्सनली कमेंट जो हम मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपके एक एक डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। किसी और टॉपिक पे आपको आईटीआई से रिलेटेड प्रैक्टिकल किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप मेरे को जरूर कमेंट करें, मैं आपके लिए जरूर से 100% प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।